हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हार्दिक। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गार्डनर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस टिकोमा प्लांट की कटिंग किस तरह से लगाते हैं, उसकी प्रोपोगेशन क्या होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा टिकोमा का प्लांट है जो मैं नर्सरी से लाया था, और मैं अब आज इसको आपकी इसकी कटिंग किस तरह से लगाते हैं वो बताऊँगा। इसके पीले पीले ऐसे बेल जैसे फूल आते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे लगते हैं, गुच्छे में आते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग ले लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसकी ऑलरेडी कटिंग ले चुका हूँ, ये रही। आप इतनी सी छोटी सी पतली सी इसकी डंडी भी लगा देंगे तो भी ये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस कटिंग को रेडी कर लेते हैं अभी। इस तरह से इसकी जो एक्स्ट्रा है, जो मूस जो डालिया वो काट देनी है अभी, और इसके सारे पत्ते भी हटा देने हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से, तो फ्रेंड हमने कटिंग ले लिए टिकोमा की। मैंने इसका देखो तिरछा कट लगाया, 45 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाए फ्रेंड, तो उसे तिरछा कट लगाए ताकि उसकी रूट्स डेवलप होने में ज़्यादा दिक्कत ना हो और अपना प्लांट्स फास्ट ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, हमने कटिंग ले ली है, अब हम इसको इस मिट्टी के अंदर लगाने वाले हैं। इस मिट्टी के अंदर मैंने कुछ नहीं मिलाया है, इस मिट्टी के अंदर सिर्फ मैंने गार्डन सॉइल है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला है। हम इसके अंदर और कुछ ज़्यादा खाद नहीं डालेंगे। तो अगर आप फ्रेंड्स इतनी सी कटिंग इतनी पतली ले लेंगे तो भी बारिश के मौसम में चल जाएगी। आप इसकी पतली से पतली कटिंग भी लगा सकते हैं इस तरह से कर देना है, और फिर इस कटिंग को इसके अंदर इस तरह से लगा देना। फ्रेंड्स, कोई भी कटिंग लगाए तो इतना याद रखें, इसे डेढ़ से दो इंच तक इसके अंदर लगा दें और अच्छे से दबा दें ताकि हमारी कटिंग ज़्यादातर कटिंग हिलने की वजह से ही फेल हो जाती है। फ्रेंड्स, ये बारिश का मौसम है तो मैं इसकी वजह से इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा। मिट्टी हमारी ऑलरेडी पहले से ही गीली थी, अभी हो गया। इस कटिंग के अंदर फ्रेंड मैंने कोई भी रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में अपने आप ही बारिश का पानी गिरेगा, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन क्या काम करेगा। तो फ्रेंड, आप इसके अंदर अब ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि ये बारिश का टाइम है तो इसकी वजह से इसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कि कटिंग अपनी हिल न पाए, क्योंकि ज़्यादातर कटिंग हिलने के वजह से ही मर जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी कटिंग चल जाएगी तो मैं आपका इसका अपडेट्स वीडियो ज़रूर देखा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।